पहले बना था ये वेस्ट, अब बना है ये पेस्ट। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही यम्मी पनीर की रेसिपी, जो हम दो तीन दिन से बना रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनती थी। बट आज हम व्लॉगिंग करने वाले थे तो आज पचका हो गया। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो यम्मी सी अभी मैं पनीर खा रही थी उसकी रेसिपी। और ये यूजुअली बहुत ही आसानी से बन जाती है, पर आज हम ब्लॉगिंग करने वाले थे तो आज कुछ पचका हो गया, तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और हम डिनर में क्या खा रहे हैं, क्या डिनर में बनने वाला हूँ, वो सब आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे मैंने आपको अपडेट किया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं अपने ससुराल में हूँ, तो एक कुकिंग का व्लॉग तो बनता ही है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक यम्मी मटर पनीर की रेसिपी। सो गाइस, जैसे प्याज बहुत महंगे हो गए हैं, तो आज बिना प्याज के कैसे यम्मी पनीर बनाई जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिसके लिए चाहिए आपको 5 टमाटर और 4 मिर्च, ये बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च हैं इसलिए मैं 4 यूज़ कर रही हूँ, एक छोटा सा जिंजर, आप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं एंड वो मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ, मुट्ठी भर कैश्यू, 4 आमंड्स और एक बोल पी मटर, साथ में अराउंड 250 ग्राम्स पनीर। गरम कढ़ाई में अराउंड 2 क्यूब्स ऑफ बटर ऐड करेंगे और उसके बाद रफली चॉप टमाटर ऐड करेंगे उस गरम कढ़ाई में जिसमें बटर ऐड किया था। तो ये जो जैनी मटर पनीर है ये बहुत ही सिंपल है, रफली चॉप टमाटो डालिए, हल्का सा सौते कीजिए, रफली चॉप्ड चिली जिंजर इसको भी ऐड करेंगे, हल्का सा इसको सौते करेंगे 5-10 मिनट के लिए लगभग सौते करेंगे, इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए, अराउंड 200 ml वाटर ऐड कीजिए। अब इसमें मुट्ठी भर जो कैश्यू थे कैश्यूज़ ऐड कर रहे हैं, साथ में 4 आमंड्स थे वो ऐड कर रहे हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, में हम कुछ ज़्यादा नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ 2 स्पून कोरिएंडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं अगर नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं इसलिए 2 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं क्योंकि सेंधा नमक कम होता है, मतलब कम फ्लेवर आता है। चुटकी भर हल्दी, बाकी इसमें हम कुछ और ऐड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये जैनी है, इसमें हम कुछ स्पेशल किचन किंग वगैरह कुछ ऐड नहीं करने वाले हैं। बस अच्छे कवर कर दो आप। तो गाइस, जब तक ये पनीर पक रही है तब तक हम गूंदेंगे आटा और आज हम बनाने जा रहे हैं कोदू के आटे की रोटी। तो कोदू के आटा जो है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गेहूं, जिसको रागी भी कहते हैं कोदू के आटे को, मतलब गुजरात साइड में रागी कहते हैं और हम कहते हैं यहाँ गढ़वाल में मतलब नॉर्थ में हम कहते हैं कोदू का आटा। तो आज बनाएंगे हम कोदू के आटे की रोटी। कोदू के जो कोदे का आटा है इसमें मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा मिलाया है और 1 कटोरी कोदे का आटा, मंडवे का आटा, रागी कुछ भी कह सकते हैं आप, वो ऐड किया है। एक तो बहुत गर्म होता है तो ठंडे इलाके के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इससे पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, ग्लूटेन फ्री होता है ये, तो इसलिए पकाना इसे बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसमें वीट ऐड किया गया है सो दैट ये स्टिक हो जाए और बाइंड हो जाए और अच्छे से हम इसकी रोटी पका सकें। हाँ, विंटर्स हैं तो विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये कोदे का आटा, सरसों के साग के साथ खाओ। लेकिन हम आज खाने वाले हैं इसको मटर पनीर के साथ। अब ये हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करेंगे हम हल्के से इसको करछी से कि ये सॉफ्ट हो गया है। हाँ, ये सॉफ्ट हो गया है, तो बस अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, गैस हम बंद कर देंगे और उसके बाद बस इसको थोड़ा देर ठंडा होने के छोड़ेंगे, फिर उसके बाद मिक्सी में इसको पेस्ट बना देंगे इसका। तो जब पेस्ट बन जाएगा उसके बाद आप एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई में ऐड कीजिए 2 क्यूब बटर और उसमें पी ऐड करेंगे, मटर ऐड करेंगे और फिर मटर को हल्का सा पकाएंगे बटर में। जब मटर पक जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पेस्ट। मटर पक चुकी है,
और अब हम डालेंगे इसमें वो जो पेस्ट है ग्रेवी का वो डालेंगे और इसको पकाएंगे हम कुछ देर तक। अभी इसमें डालेंगे लास्ट में हम पनीर डालेंगे। पनीर जो है वो हमारी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसलिए हम इसको फ्राई वगैरह कुछ नहीं करते। तो गाइस हम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाते बनाते आज थोड़ा पचका हो गया, वो अच्छे से जो है ये पिसे नहीं है तो अभी हम दोबारा से इसे पिस रहे हैं इसको छानने के बाद। आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पीसना। बनाए पेस्ट और पहले बना था पचका, तो ऐसे ऐसे हो जाता है कभी कभी फूड ब्लॉगर से गड़बड़, कोई बात नहीं चलता है। पहले बना था ये वेस्ट, अब बना है ये पेस्ट, हमने छाना इसको दोबारा। तो जब ये पेस्ट अच्छे से मतलब थिक सा पेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे इसमें पनीर और बस उसके बाद इसको थोड़ा सा 5 मिनट 2-3 मिनट इसको घुमाएंगे क्योंकि पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपका हार्ड पनीर होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट हमारा पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसलिए बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पनीर तैयार हो गई है और हम बनाएंगे रोटी। तो आज डिनर में बना है मूली के हरे पत्तों की हरी सब्जी, मटर पनीर और घर में जो धनिया उगा है, पुदीना है, उसकी चटनी, साथ में गोदी के आटे की रोटी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कैच यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर स्टोरी। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। टाटा।